नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन सिंधी में। आज की वीडियो में मैं आपको सात ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप अल्कलाइन वाटर पीना स्टार्ट करें तो उससे पहले ये सात बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर एक है स्टार्ट ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अल्कलाइन वाटर का सेवन करेंगे तो उसे धीरे धीरे स्टार्ट करना है। अगर आप दिन भर में 10 गिलास पानी पीते हैं तो अल्कलाइन वाटर 10% to 20% यानी कि 1 से 2 गिलास शुरुआत में पीजिए। उसके बाद आप मॉनिटर कीजिए कि अगर आपको कोई उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रही है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो धीरे धीरे करके आप अल्कलाइन वाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन जब भी आप शुरुआत करें तो मेक श्योर कि ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे करें। नंबर दो है चेक दी पीएच लेवल। जब भी आप अल्कलाइन वाटर की शुरुआत करते हैं, अगर आप चाहते हो कि अल्कलाइन वाटर का आप सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें, सेफ तरीके से इस्तेमाल करें, तो मॉडरेट पीएच वाला अल्कलाइन वाटर ही पीना है जिसकी पीएच 8 से लेकर 9.5 होती है। अगर आप हायर अल्कलाइन वाटर पीते हो, हायर पीएच वाला मतलब कि जिसकी पीएच वैल्यू 9.5 से ज़्यादा है, तो ऐसे में आपके शरीर का पीएच बैलेंस बिगड़ सकता है, तो आपकी हेल्थ के लिए नेगेटिव हो सकता है। ऐसे में पीएच लेवल चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको हो सके तो 8 to 9.5 के बीच में जो पीएच वाला अल्कलाइन वाटर है उसी को ही पीना है। नंबर तीन है अवॉइड रिप्लेसिंग रेगुलर वाटर एंटायरली। मतलब कि ऐसा नहीं कि अल्कलाइन वाटर स्टार्ट करने के बाद रेगुलर पानी पीना ही बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है। शुरुआत में आप उसे मिक्स कर सकते हो एंटायरली, कभी भी इसे रिप्लेस नहीं करना है। जब भी आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हो कि अल्कलाइन वाटर पीने से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे तो सेफ माना जाता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी टाइप को सूट नहीं करता तो फिर आपको इसके साथ मिक्स करना है, रेगुलर पानी के साथ मिक्स करना है। अदरवाइज आप उसे धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में कभी भी टोटली उसे रिप्लेस नहीं करना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर चार है टाइमिंग। अब आप यहाँ पर सोच रहे हो कि पानी पीने में भी क्या टाइमिंग होना जरूरी है। देखिए, जब भी आप अल्कलाइन वाटर का सेवन करते हो, अल्कलाइन वाटर की पीएच बेसिक होती है, बेसिक पीएच होती है, तो ऐसे में जब भी आपके स्टमक में अल्कलाइन वाटर जाता है तो ऐसा पॉसिबल है कि स्टमक का एसिड थोड़ा न्यूट्रलाइज हो, उसमें कमी आए। तो अगर खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने से पहले अगर आप अल्कलाइन वाटर का सेवन करते हो तो ऐसे में चांसेस है कि आपका स्टमक एसिड थोड़ा कम हो जाए, जिससे डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कब्ज की परेशानी भी हो सकती है और दूसरी भी कुछ डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप अल्कलाइन वाटर पीना चाहते हो तो खाना खाने के 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, ये जो टाइमलाइन है उसके बीच में आपको अल्कलाइन वाटर नहीं पीना है। उससे पहले पी सकते हो, बाद में पी सकते हो। नंबर पाँच है कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। जब भी आप अल्कलाइन वाटर पीना स्टार्ट कर रहे हो, देखिए पानी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। जब भी ऐसी ज़रूरी चीज़ आप बदल रहे हो तो उसमें आपको डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर आपको किडनी संबंधित कोई समस्या है, लीवर संबंधित कोई समस्या है, आपको हार्ट संबंधित कोई समस्या है, फिर ऐसी कोई भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जो आपके डॉक्टर जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से जानते हैं, तो ऐसे में जब भी आप अल्कलाइन वाटर का सेवन करना स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कुछ भी एडवाइस उन्हें देनी है वो आपको दे सकते हैं। नंबर छः है मॉनिटर फॉर साइड इफ़ेक्ट्स। कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होती है, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि सभी लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होती है। वैसे तो अल्कलाइन वाटर जनरली सेफ माना जाता है, लेकिन आपका बॉडी टाइप क्या है, आपकी तासीर क्या है, वो भी डिपेंड करती है। अगर आपकी बॉडी को अल्कलाइन सूट नहीं करता, अल्कलाइन वाटर सूट नहीं करता, तो ऐसे में आपको नोजिया, वोमिटिंग, गैस, ब्लोटिंग इत्यादि समस्या हो सकती है, किडनी संबंधित कोई समस्या हो सकती है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अल्कलाइन वाटर स्टार्ट करने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट होती है तो उसे मॉनिटर करना है। अगर साइड इफेक्ट कंटिन्यू रहती है तो ऐसे में आपको अल्कलाइन वाटर पीना बंद करना है और अपने डॉक्टर से बात करनी है। अगर साइड इफेक्ट्स धीरे धीरे करके कम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप अल्कलाइन वाटर को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुअली ही आपको उसे बढ़ाते रहना है। नंबर सात है फोकस ऑन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि ऐसी डाइट, ऐसा आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, गुड फैट है, साथ ही साथ विटामिन और मिनरल्स हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन वाटर पीने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ये आपकी गलतफहमी है, आप गलत सोच रहे हो, बेवकूफ़ी है आपकी। क्योंकि
सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन वाटर पीने से हेल्थ अच्छी नहीं रहती, उसके साथ साथ बैलेंस डाइट भी जरूरी है, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। तो अगर आप अपना वाटर बदल रहे हो, अल्कलाइन वाटर स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे में बैलेंस डाइट पर फोकस करना, एक्सरसाइज पर फोकस करना भी काफ़ी जरूरी होता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी 7 ऐसी बातें जिसे कंसीडर करना है जब भी आप अल्कलाइन वाटर स्टार्ट कर रहे हो, अल्कलाइन वाटर पीना स्टार्ट कर रहे हो, तो 7 बातों को ध्यान में रखना काफ़ी जरूरी होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल है तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।